सर्वप्रथम निभाया गया और आज इस परिसर में हमारे बीच यहाँ आकर से भारतीय परिवेश में ये परंपरा रही है कि हम किसी बेटी पढ़ाओ पे बहुत कार्यक्रम किए गए हैं और उधमपुर में जहाँ तक देखा जाए इसका बड़ा अच्छा रिस्पांस रहा है। ओवरऑल में अवेयरनेस जनरेशन एक्टिविटी से लेकर काफ़ी चीज़ें की गई। आज उसी कड़ी के अंदर एक और नया चैप्टर जोड़ा गया जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंदर एक लैबोरेट प्रोग्राम रखा गया जिसमें मेजर जनरल मेडिकल डॉक्टर कनितकर आर्मी की रिप्रेजेंटेशन है उनको यहाँ बुलाया गया। तो नोडल ऑफिसर की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम्स आगे आने वाले समय में किए जाएंगे। हमारी कोशिश है हर पंचायत तक पहुँचे और इस मैसेज को कि बेटी और बेटा एक समान है और हमें सबकी बढ़ावे के लिए उनकी पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करनी है और इक्वल मेहनत करनी है। आप जानते हैं कि कुछ समय पहले ही स्पेशल हेल्पलाइन लॉन्च की गई थी जीने दो हेल्पलाइन, जिसमें यही था कि कन्या भ्रूण हत्या के बारे में अगर कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है वो हमें इसके बारे में खबर दें। तो आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उससे काफ़ी हमें क्लूज मिले हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ ये जो नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का है ज़िले के कोने कोने तक हम उसको लेकर जाएंगे और इससे आपके माध्यम से मैं उधमपुर की आवाम से लोगों से अपील करना चाहूँगा कि सिर्फ ये अवेयरनेस तक नहीं हमारी हिस्सेदारी हमारा हिस्सेदार बने और इस मुहिम को आगे लेके जाने में हमारी मदद।